प्रज्ञानं शूरकाले स्थिरचरणिकया व्याधिभिर्व्याप्यलोकान् भूत्वा भोगांश्चरिष्ठान् पुनरपि भीषणोद्भाषितान् कामजन्यान् विद्वा सर्वान् विशेषान् मधुरं मायया भोजयन्नो माया सञ्जातुमेव परमृतमजं ब्रह्मयत्तं नतोऽस्मि जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है ये निश्चय हो जाने पर आत्म सत्य अनुबोध ही न संकल्प रखे जाता बस आत्मा ईश्वर एकमात्र सत्य है और उससे भिन्न संसार में कोई भी वस्तु जो भी दिखाई पड़ रहा है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है ऐसा निश्चय हो जाने के कारण क्या हो जाए न संकल्प रहते तब कोई भी जागतिक वस्तु संबंधित कोई संकल्प नहीं था क्यों ग्राह्य भाव ज्यादा ग्रहण ग्रहण करने जो कोई वस्तु है नहीं रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को कभी हम चाहते हैं कि हम अलग करके ग्रहण करें तो कभी भी नहीं ग्रहण कर सकते इसलिए मन तब संकल्प विकल्प करना छोड़ देते यही वेदांत के निर्विकल्प समाधि उस समय के बोला कि अरे ये तो सुषुप्ति अवस्था में भी होता है नहीं नहीं सुषुप्ति अवस्था में और जागृत को विचार पूर्वक सुषुप्ति बना देने में दोनों में भिन्नता है सुषुप्ति काल में मन जो है अज्ञान में लय प्राप्त करते हैं और इस समय क्या होता है अज्ञान को जला करके मन जो है अपने स्वरूप में एक होकर के रहते हैं है ना जैसे ब्रह्माकार भाव में रहते हैं ये दोनों में प्रचार की भिन्नता है अब जो है इस प्रकार की स्थिति कैसी होती है तब ये अपने को समझ लेते हैं कि मैं जन्म से नहीं तो अजम अनित्यम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम तब उस समय क्या है मैं जन्म मृत्यु से रही और नाम रूप से रही और यहाँ पे अज्ञान और अज्ञान का जो अग्रहण और अन्वथा ग्रहण दोनों ही नहीं है और इस प्रकार की जो तथ्य है सकृत विभाग बस एक बार प्रकाश होगा कि हमेशा उसका उज्जवल प्रकाश विद्यमान रहता है और वही सर्वरूप में अभिव्यक्त होकर के मतलब वही सर्वरूप में कैसे अभिव्यक्त हो रहा है सभी के अंदर सत्ता मुक्ति प्रदान करके वो अभिव्यक्त हो रहा है इसीलिए इस प्रकार की स्थिति को जानने के बाद हमको क्या है न उपचार कथन चलो किसी भी प्रकार के साधन की अभ्यास करने का इच्छा ना रखे बस मेरे को ध्यान करना है जब करना है जब इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद पहले ऐसा करते हैं अपने कुछ नहीं करना बस अपनी स्थिति को बनाए तो उससे क्या होगा कि मन जो है फिर विक्षिप्त होगा मन विक्षिप्त हो मन को किसी प्रकार से आगे फिर फैलने का प्रचार को शुरू करने का नहीं देना क्योंकि ये आत्मा की पारमार्थिक स्वरूप कैसे है सर्व अभिलाप विगत सर्व चिंता समुद्धित है कोई इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है और समस्त चिंता ये मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है शुभ प्रशांत इसको थोड़ा कम कर दीजिए कम रखिए आपको आपको सुनाई देगा बाहर अलग सुनाई देगा क्या फर्क पड़ता है आपको सुनाई देगा एक तो हाँ ठीक है ओ तो यहाँ पे शुभ प्रशांत सकृत ज्योति वो पूर्ण रूप से शांत है और एक बार प्रकाशित होकर के ज्योति बुझती नहीं है समाधि अचल अभय है ना वो मन एकाग्रता के फलस्वरूप अथवा समाधि की अवस्था में ये अनुभव में आता है क्योंकि वो समाधि स्वरूप है
मतलब आत्मा पूर्ण है, व्यापक है, पूर्ण का मतलब विक्षेप होना, कोई विकार होना संभव नहीं है, इसलिए अचल। और क्योंकि वहाँ के पूर्ण होने आगे इसलिए कोई भय रहित स्थिति में आ जाता है। शून्य में भय रखने पर भी विचार करने पर अरे मैं क्यों अकेला हूँ, डर तो मुझसे है ही नहीं, क्योंकि डर तो क्या होता है, जब कल मिल जाएंगे तो हमको लगेगा कहीं हमको पाप ना खा जाए, ये डर जो अपने से भिन्न है। फिर भूत प्रसाद के डर, फिर जब क्या मालूम खाना खुना मिले कि ना मिले, फिर क्या मालूम जंगल में और कुछ निकल है शाम, ये सब तो डर रहता है। अपने से भिन्न करके तो ये वस्तु पारमार्थिक है ही नहीं, जैसे निश्चय हो जाता है तो मन में फिक हो जाता है। इसलिए न ग्रह न तत्व उत्सर्ग है ना, इस प्रकार की आत्मा की क्या ग्रहण भी नहीं होता, त्याग भी नहीं होता है ना, इसका न ग्रह न उत्सर्ग, इसके इस प्रकार की हमारे स्वरूप है, इसका ग्रहण भी नहीं होता, त्याग भी नहीं होता। ये लोग उत्सर्ग क्योंकि क्या है कि प्रज्ञा वैशाख वेद सुविध जलनिधि वेद नाम न अंतरस्तम, वेद की श्रुति वाक्य को अपने प्रज्ञा वैशाख दंड के द्वारा मंथन करके आया, फिर कहाँ का आया ये बात को, ये बात पाए के उपनिषद में अन्न देव तद विदिता अविदिता तदि मत भगवान भाषा व्याख्या करते हुए लिखे हैं कि आत्मा ग्रहण करने जो कोई वस्तु भी नहीं है, त्याग करने जो कोई वस्तु नहीं है, न विदितम न अविदितम, दोनों से परे है। पर तो क्या होता है चिंता यत्र न विद्यते है ना, कुछ संबंधित कोई चिंता के बड़ा संबंध है। हम बात जो बोलते हैं कि ब्रह्माकार व्यक्ति विषय करके मन को रोकने के लिए ब्रह्म विषय अन्य विषय चिंतन से मन को रोकने के लिए हम बोलते हैं कि ठीक है ब्रह्माकार व्यक्ति का और आपने जन्म रही असही अवस्था में एक रूप में रहने वाला, इस प्रकार से आत्मज्ञान की जो स्थिति होती है उसको बता रहे हैं। हम लोग 38 तक पढ़ लिए थे, 38 तक पूरा हो गया था, ठीक है, भाष्य टीका पूरा हो गया था, अब 39 में आना है, 38 का टीका थोड़ा बचा है, 185 पेज में, हाँ शुरू से द्वितीय पादम अब बता रही है बैठस के, ठीक है, हाँ ठीक। तो विक्रिया विक्रियाया तद विषय विषयत्व च अभावी फलितम, आत्मा में कोई विकार नहीं है, ना आत्मा विक्रिया का विषय है, ना आत्मा में अपने आप को विकार होता है, ठीक है। तो इसलिए स्वभाव क्या हो जाएगा, अतः अत न तत्र हान उपादान, इसलिए वहाँ पे जब ग्रहण त्याग दोनों ही नहीं होगा। इस रूप की द्वितीय बात क्या है, चिंता यत्र न विद्यते, द्वितीय बात है चिंता यत्र न विद्यते है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं द्वितीय पाठ को लेकर के व्याख्या करते हैं, चिंता यत्र न विद्यते मतलब हर्षा सर्व प्रकार चिंता न संभव, यत्र किसी भी प्रकार की चिंता जहाँ पे होना संभव नहीं है, क्यों मन का विषय ही नहीं है तो चिंता कैसे करोगे, इसीलिए बोलता है सर्व प्रकार चिंता न संभव यत्र, क्यों अमनस्वार है ना, मन है अपमन हो गया, क्योंकि आपने निश्चय कर लिया कि बाहर कोई वक्त चिंता करने के लिए उतर, क्योंकि ऐसे कैसे होना संभव, तत्र हान हान उपादान, इसलिए जब वहाँ पर मन का विषय नहीं है तो आप उसको ना मन से उसको ग्रहण, इस प्रकार इंद्रिय के विषय के रूप में भी ग्रहण नहीं कर सकते, मन के विषय के रूप में भी उसको ना ग्रहण किया जा सकता है ना त्याग किया जा सकता है। फिर यहाँ पे आगे टीका में बोलते हैं तृतीय पाद विभजते, तृतीय पाद क्या है आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम है ना, ज्ञान उस समय आत्मा में संपन्न रूप से स्थिर होकर के रहते, आत्मा ने सम्मक स्थितम आत्मसंस्थम, ठीक है ना। तो उसको देखिए तृतीय पद यदा एव आत्मसत्व अनुबोध जात, जिस समय मन निश्चय कर लिया क्या भगवान ही एकमात्र सत्य वस्तु है, आत्मा भगवान ही एकमात्र सत्य वस्तु ऐसा निश्चय हो गया, और आत्मा से भिन्न करके संसार में कोई वस्तु मतलब मुझसे भिन्न करके संसार में कोई वस्तु है नहीं, तदैव आत्मसंस्थम तब क्या होता है मन आत्मा में ज्ञान बुद्धि सब आत्मा में सम्मत रूप से ठीक हो जाता है, क्योंकि जब उनको चिंता करने के लिए बाहर जाने के लिए सब रास्ता आपने बंद कर दिया, इंद्रिय भी बंद कर दिया, विषय बुद्धिपूर्वक निश्चय कर लिया बाहरी कोई वस्तु हमारे लिए कोई उपयोगी वस्तु नहीं है, फलत क्या होता है मन को विषय की चिंता करने के रास्ता नहीं है, तदैव आत्मसंस्थम विषय अभाव मतलब वो आत्मा आत्मा भी संबंध स्थिर हो जाता है, क्योंकि बाहरी कोई विषय नहीं रह जाता मन के पास चिंतन करने के लिए। दृष्टांत तो क्या दिया अग्नि पुष्पवत आत्मनिर्वस्थितम ज्ञान, जिस प्रकार
जब अग्नि में नहीं गाइस हो मतलब जो हमने जो को जो वस्तु दी वो आप नहीं डालेंगे तब क्या हो गया अग्नि की उष्णता अपने आप शांत हो जाएगी। एक लकड़ी में आपने आग लगा दिया आपको उष्ण कर दिया मतलब पूरा गाइस वस्तु जल जाने के बाद क्या होता है फिर आग अपने आप उष्ण शांत हो जाए। इसी प्रकार ये बाहरी गाइस वस्तु मतलब ग्राह्य वस्तु ग्राह्य वस्तु को आपने निश्चय कर लिया यहाँ के भी ग्रहण करने के लिए वस्तु रही नहीं जैसा स्वप्न में देखा हुआ वस्तु को लेकर हम कभी नहीं चिंतन करते क्यों आप निश्चय है कि वस्तु में है नहीं। इसी प्रकार जो आत्मा ही सत्य वस्तु अधिष्ठान की सत्यत्व निश्चय होने के फलस्वरूप उसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है वस्तु उसमें कुछ भी सत्यत्व नहीं है ये जो मन निश्चय कर लेते हैं तब भी उसके बाद उस संकट संबंधित को चिंता भी नहीं करते। इसके बजाय अग्नि इस प्रकार दाह्य वस्तु को जला करके अग्नि की दाहिका शक्ति अपने आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार ग्राह्य वस्तु में मिथ्यात्व निश्चय करके मन की जो ग्राहकत्व शक्ति हो अपने आप शांत हो जाए अपने आप शांत हो जाए। आत्मनि एव स्थितम् इस प्रकार जो आत्मा में अनुष्ठान अपना अपने अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं ना ये इसका भी प्रकरण है। अब आगे बोलते हैं चतुर्थ पादम व्याकरोति चतुर्थ पद क्या है अजाति समानाम तो चतुर्थ पद बोलते हैं अजाति मतलब जाति वर्जितम जाति वर्जिता मतलब जन्म से ही और जन्म से ही आपके अंदर जातित्व भी आता है जहाँ जन्म लिया तदन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध जब जन्म ही नहीं है तो जातित्व भी नहीं है। सिर्फ वहाँ पर ले रहे ठीक है अजाति मतलब जाति वर्जिता मतलब जन्म वर्जिता यही अजातिवाद है। वेदांतिक मुख्य सिद्धांत यही है पारमार्थिक सृष्टि होना संभव नहीं है कल्पना संगत जुड़ू जैसे कल्पना करते इसी प्रकार पूर्ण व्यापक अधिष्ठान में अलग अलग शरीर को कल्पना कर लिया उसके अंदर ये भी शरीर में जिसमें कल्पना इसलिए बोलते हैं कि अजाति मतलब जाति वर्जितम समताम गतम परम साम्यम आपन्नम भवति पूर्ण साम्य भाव को प्राप्त कर जाते हैं ना साम्य मतलब निर्विशेष भाव को प्राप्त कर जाते हैं। जितना भी विशेषता हमने अपने ऊपर आरोप किया वो सारा विशेषता विचार पूर्वक छूट जाए। तो विशेषता की पहला कदम क्या है अपने ऊपर आरोपित जो विशेषता है उस विशेषता की पहला कदम मतलब पहला आधार क्या है मैं मनुष्य मैं तो ठीक है मैं हूँ ठीक है मैं मनुष्य यही सबसे बड़ा पहले फाउंडेशन बन गया पक्का और फिर मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ फिर जो है मैं बुद्धान विद्वान हूँ बुद्धिमान हूँ गायक हूँ नायक हूँ इतना सब पाठक हूँ सब सब ये सब आरोपित है अपने आत्मा ये सब विशेष चला जाता है निर्विशेषतम समतम गतम साम्य मतलब निर्विशेषत को भाव को प्राप्त करते हैं। अब देखिए एक अलग होते हैं नन इदम प्रकरण आदो किमर्थम पुनर्यह उच्यते आपने तो पहले अतो भक्षा में अपार्पण्यम अजातिम समतम गतम जब आपने पूर्व प्रकरण के शुरू में बोल करके आया था ना दो नंबर से कहते ये उपक्रम में जो अतो भक्षा में अकार्पण्यम अजातिम समतम गतम अब मैं आपको अपना क्या है अपकृपणता क्या है कि जन्म रहित है ही नहीं मतलब भेद है ही नहीं बुद्धि दृष्टि जो अपकृपण दृष्टि है ये प्रतिज्ञा के फिर यहाँ पे क्यों दोबारा बोल रहे हैं बट अपने बोल कर जाए शंका करने वाले बदलानु एकदम प्रकरणादो उक्ता इसको तो प्रकरण के शुरू में हमने कथन कर दिया गया कि मध्यम पुनर्या हो चल दोबारा फिर यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं आप तत्र अहम क्यों वो कहा जाता है उसके उत्तर में कहते हैं टिप्पणी देखिए दस नंबर टिप्पणी है टीका भाष्य के ऊपर जितना टिप्पणी हो तो हमने पढ़ लिया था दस नंबर टिप्पणी में देखिए एकदम अकार्पण्यम है ना ननु इदम प्रकरण अकार्पण ये जो बीज अकार अकृपणता की भाव अकार्पण्य में तो अकृपणता की जो भाव ये तो अपने शुरू में ही बोल कर गया फिर दोबारा यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं तो इसलिए अब भाष्य का देखते हैं कि लिखते हैं कि जब आदो प्रतिज्ञातम अतो वक्षा में अकार्पण्यम अजाति समतम गतम इति इदम तत् उपपत्तित शास्त्र तस्य उक्तम प्रसंग्रियते ये हमारी परंपरा की एक शैली है। क्या शैली है मैं क्या कहना चाहता हूँ पहले हमारी प्रतिज्ञा वाक्य हम भगवद गीता के पंचमंत्र के इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हम जब उस श्लोक को उद्धृत करते हैं कि आप इस श्लोक को बोले तो फिर आप क्या करेंगे उस श्लोक के प्रत्येक पद को अर्थों के प्रत्येक इसके साथ कोई अंत है वहाँ पर जो समय समस्या के व्याख्यान करेंगे अब उसको श्लोक को समझाने के लिए जो अलग अलग दृष्टांत देना पड़ेगा वो भी आप देंगे
फिर उसके बाद जब आपको समझाना पूरा हो जाएगा, देखो ये मैंने कहा था इस प्रकार से इसको समाप्त करते उपसंहार में, उसको देखो मान बोलते उपसंहार करी उसको दोहराते हैं। ये यहाँ पे बोलते हैं जब आदो प्रतिज्ञा तो आपको ग्रंथ का प्रतिज्ञा दिए थे कि मैं अभी आपको अकृपणता के बारे में कहूँगा, और वो क्या अकृपण था अजाति समता जन्म रही एक शाम को भाव ही है, इस प्रकार की दृष्टि ही अकृपणता है और जन्म से विषमता के भाव वो कृपणता है ना। ये कृपण शब्द कहाँ से आया, क्योंकि मानव को कार्य का अपना शब्द नहीं है, उपनिषद में आए हैं जो वही गार्गी अक्षर अविदित अस्मान लोका प्रैति सत्पन है ना, जब विदिता प्रैति स ब्राह्मण है ना। इस प्रकार यहाँ उपनिषद बात कर रहे हैं, इसलिए उसका आधार पर यहाँ देखते हैं जब आदो प्रतिज्ञातम अतो वक्षण्यकर्मणम अजाति समानांतरम इतिदम, तब इस प्रकार से यहाँ फिर दोबारा उपपत्ति जब युक्ति के साथ शास्त्रग्रस्त शास्त्र वाक्यों के आधार पर उक्त जो कहा गया उसको सिद्ध करके दिखाया उपसंहार, तो उसको उपसंहार दिया जाता है कि वेदांतिक शब्द तब जब काम क्या कहना चाहते हैं लोगों को समझ में कैसे आएगा, अब इधर से उधर से कितना सारी चीज बोल दिया, क्या बोलना चाहता है जो वक्ता लोग समझ में ही नहीं आते क्या आपका विषय वस्तु क्या है, इसलिए पहले आप अपनी प्रतिज्ञा करें मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, तब उसके बाद आगे अपना चाहिए। आगे देखते हैं आगे देखिए न ग्रह न तत्र इत्यादो पूर्वत्र तत्र ज्ञानम उक्तम न तो अकार्पण्यम तत्कथम अकार्पण्यम वक्ष्यामि। अच्छा आपने यहाँ पे तो पहले क्या बोल गया है, इससे पहले क्या बोल यहाँ पे क्या बोला न ग्रह न उत्सर्ग मतलब इसका ग्रहण भी नहीं होता त्याग भी नहीं होता, ये कहा आपने, तो यहाँ पे टीकाकार बोलते हैं ननु ग्रह न तत्र इत्यादि इस श्लोक में क्या कहा पूर्वत्र तत्व ज्ञान मुक्त और इसके पहले आपने क्या क्या तत्व ज्ञान है उसको कहा, तो अकृपणा का ये तो आपने नहीं कहा, आपने प्रतिज्ञा क्या किया था आपको बक्षामी अकल्पण्यम, अभी तक तो अकृपणा का बोला ही नहीं आपने, आपने तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि इसका ग्रहण उपादान है, उपसंहार कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसका ग्रहण भी नहीं होता उपादान भी नहीं होता, आपको कहना क्या चाहिए था, ये है अकृपणा का, आपने प्रतिज्ञा किया हम आपको अकृपणता को समझाएंगे और आपने क्या समझा किया इसका ग्रहण भी नहीं होता इसका त्याग भी नहीं होता, प्रतिज्ञा किया कुछ और उल्टा 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 बोल दिया, ऐसे कैसे हो सकते हैं है ना। ये शंका कर आनंद गिरी जी ननु ग्रह न तत्र इत्यादो पूर्वत्र इसके पहले तत्व ज्ञान मुक्तम तत्व ज्ञान में तो कहा गया न तो अकार्पण्यम अकार्पण्यम अकृपणता के बारे में तो नहीं कहा गया, तब कथम अकार्पण्यम भक्षण ये जो आपने प्रतिज्ञा किया था अतो भक्षण अकार्पण्यम ये से सिद्ध हुआ सिद्ध ही इसलिए उत्तम उपक्रांत सत्य उपसंहार संतप बोलते हैं। अरे भाई जो आपने प्रतिज्ञा किया था ऐसा ही उपसंहार करना चाहिए, तो आपने प्रतिज्ञा किया तो अपने उपसंहार तो दूसरा बात में कर रहे हैं, तो उपक्रांत सत्य उपसंहार संभव आशंक ऐसा कोई शंका करते हैं, शंका के उत्तर होते हैं तत्व ज्ञान से व अकार्पण्य रूपत्व ये तत्व ज्ञानी अकृपणता है, तत्वज्ञानी अकृपणता है तत्वज्ञान से एव ये तत्वज्ञान मतलब जन्म होना पारमार्थिक संभव नहीं है, भेद जो दिखाई पड़ते प्रतिदिन मात्र इस प्रकार की बोधि अकृपणता है, इस प्रकार की बोधि अकृपणता से होता है तत्वज्ञान से एव अकार्पण्य रूपत्व ये तत्वज्ञान को हो ही इसको अकृपणता की रूप है, ये अपने अकृपणता स्वरूप है, ये जो पहले कह गए वहाँ पे जो है तो अतो बक्षा में अकार्पण्यम ठीक है ना, और आगे क्या बोला था अकृपणता क्या है अजाति समतांतरम यथा न जायते किंचित जायमान समंतर, प्रतीति तो हो रहा है वहाँ पे रज्जु सर्प जंतर कुछ कई चीज है परंतु जब निश्चय हो गया कि वहाँ पे सब चीज कुछ नहीं है प्रतीति मात्र ही है, प्रतीति तो हो रहा है सामने चाक्षिक कथा कि यहाँ पे एक तालाब है सुंदर तालाब है मरुभूमि में, परंतु निश्चय हो गया कि वहाँ पे पानी के बूंद भी नहीं है ना, यही अकृपणता है, इसे क्या बोलते हैं कि आशंक तत्व ज्ञान से अकल्पण्य रूपत्व उपसंहार सिद्ध, इसलिए जो मैंने कहा था उपसंहार हमारा सिद्ध होता है, मतलब निगमन में वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए बताए अजाति ये तस्मा आत्मसत्व अनुबोध कहाँ ये प्रतीक ये तस्मा टीका में जो प्रतीक दिखाई दे रहा है ये तस्मा भाष्य में कहाँ है ये अनुबोधात्
और कृपणता के विषय आत्मसत्व अनुभव से भिन्न है। अब जब आत्मसत्व अनुभव हो गया तब कृपणता नहीं जाना, यदि आत्मसत्व जब तक नहीं हो जाए तब तक कृपणता बुद्धि बौद्धिक कृपणता है, आर्थिक कृपणता नहीं है, धन संपत्ति कृपणता नहीं है, बौद्धिक कृपणता। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था और बौद्धिक योग्यता भी दिया था, हम उसको उपयोग ठीक से नहीं किया, इसलिए वो कृपणता है। तस्मात है ना, ये तस्मात आत्मसत्व अनुबोध, ये जो आत्मा की कथा तो सत्य था, बाकी सब पारमार्थिक था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना, ये हमारे पारमार्थिक चिंता है, ये कार्पण्य विषय मानकर इससे कृपणता के विषय भिन्न हो जाना था। आत्मा की सत्यत्व को छोड़ करके जगत की सत्यत्व बोध कृपणता की बोध है, और आत्मा ही सत्य है, जगत में सत्यत्व नहीं है, अकृपणता देखना चाहिए। एक तस्मात तथ्य ज्ञान अतिरिक्त, इसी पंक्ति का भाष्यकार की इस पंक्ति का अर्थ टीकाकार कह रहे हैं, तथ्य ज्ञान अतिरिक्त ज्ञान कार्पण्य विषय, तत्व आत्मसत्व अनुभव से आत्मा ही मत सत्य वस्त, इससे भिन्न जो भी कुछ ज्ञान होते हैं वो ज्ञान कृपणता के विषय है ना, यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान अतिरिक्तम ज्ञानम, तत् आत्मा के यथार्थ तत्व के ज्ञान से अतिरिक्त जो भी कुछ ज्ञान है वो कार्पण्य विषय कृपणता को विषय का, क्योंकि अत्र इस विषय में लिंगम दर्शयति, इस विषय में चिन्ह को दिखाते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, अकृपणता, अकृपणता मतलब क्या, आत्मा की सत्यत्व को, यहाँ पे सत्यत्व को अकृपणता है, ये सीधा सीधा श्रुति वाक्य को नहीं मिलता, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समान का समवाय पार दुर्बल मंत्री प्रकाश है, सबसे बलवान प्रमाण है श्रुति प्रमाण। अब श्रुति प्रमाण की बात है, श्रुति निरपेक्ष श्रुति, जिस वाक्य की अर्थ करने के लिए कोई अन्य की सहारा नहीं लेना पड़ता वो श्रुति है। सामर्थ्यम लिंग, सामर्थ्यम लिंग, तो यहाँ पे देखिए ये जो अगला वाक्य दे रहे हैं लिंगम दर्शय, चिन्ह को दिखा रहे हैं, क्या चिन्ह, क्यों लिंग बोला, श्रुति क्यों नहीं बोला यहाँ पे टीका का, क्योंकि श्रुति अपने आप आत्मसत्व अनुबोध से तुम्हारा की स्थिति वाक्य सुधा नहीं है, परंतु जो इस अक्षर तत्व को नहीं जानते शरीर को चला जाता है वो कृपण ऐसा कह रहे हैं, इससे लिंग ये लिंग बोला, इसके सामर्थ्य से क्या सिद्ध होता है, इसके सामर्थ्य से ये सिद्ध होता है इसकी विपरीत वस्तु अकृपण होता है, अर्थ निकालने के लिए इस पूर्व का अपेक्षा लगता है, श्रुति वाक्य अपने अर्थ निकालने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परंतु लिंग प्रमाण क्या होता है कि श्रुति वाक्य जो अपेक्षा से आर्थिक अर्थ निकलता सामर्थ्य लिंग, उससे क्या सामर्थ्य से अर्थ निकलते हैं, श्रुति लिंग वाक्य समविव्याहार वाक्य, एक शब्द जो परा गया उसको वाक्य बोलते हैं, और उभय आकांक्षा प्रकरण श्रुति लिंग वाक्य स्थान मतलब सन्निध स्थान, और आपको श्रुति लिंग वाक्य स्थान समक समक मतलब बोलते हैं उसको इस होत्री चमस, एक यहाँ पे होता समाज का मतलब एक साथ भरा गया है, एक होता के तरह मतलब पान सोम रस को पान करने वाले जो पात्र को बोलते सोम, मतलब इसको इससे आर्थिक अर्थ से निकालते, इसमें श्रुति वाक्य सबसे बलवान होते हैं, और श्रुति वाक्य के बाद श्रुति वाक्यों के आधे सभी श्रुति वाक्य ही है, आप यदि ब्रह्म सूत्र के आनंद में अधिकरण से बैठ गए आपको ये बात कैसे ब्रह्म सूत्र की ये निर्णय हुआ, एक विषय विषय के बाद एक पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, उत्तर पक्ष और उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष के वाक्यों को विचार करने में किसकी वाक्यों को श्रुति के आधार पर बोल रहे हैं कि लिंग प्रमाण के आधार पर क्यों बोल रहे हैं कि प्रकरण के आधार पर बोल रहे हैं, इस ऊपर से उसकी बलवत्ता सिद्ध हुई, जो श्रुति प्रमाण का आधार पर बोलते हैं कोई लिंग प्रमाण का पूर्व लिंग प्रमाण का आधार पर बोल रहे हैं वेदांत, तो श्रुति प्रमाण का आधार पर बोल रहे हैं, तो ये बात को बलवान चलते हैं, और ये वेदांति ने नहीं बनाया है, पूर्व मीमांस दर्शन की श्रुति बनाई, ठीक है ना। यहाँ पे बोलते हैं कि लिंगम दर्शयति, मतलब श्रुति ही श्रुतेर लिंगम है ना, एक श्रौत लिंग है ये श्रौत लिंग व्यवहारिक लिंग, जैसे जिस प्रकार लिंग मतलब चिन्ह, अग्नि को धुआं को देख करके अग्नि को समझना ये हो गया आपका, और धुआं के लिए अग्नि के लिए धुआं लिंग है,
ठीक है ना। श्रुति लिंग मतलब इस वाक्य को सुनकर जो अट्ठपना का समझने के लिए जो सामर्थ्यम लिंगम, उस श्रुति वाक्य से जो सामर्थ्य से जो अर्थ मिलते हैं वो हो गया लिंग। यहाँ किसी लिंगम दर्शयती जो अक्षर गार्गी अभिदित अस्मात लोका प्रैति सकृपण। हे गार्गी, जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने का बाद भी इस अक्षर तत्व को जिस बसमें आकाशोत्तम च प्रथम च एकस्मिन करो अक्षर गार्गी आकाशोत्तम च प्रथम च ब्राह्मण अभिवदन्ति, तो उसका लिंग क्या दिया जो हमें अस्तुल मनन मन समाधि कमल रोहितमा कृष्णमस्म के 25 जगह में निगेटिव करके दिखाया। अब इस अक्षर को जो व्यक्ति नहीं जानते, मनुष्य शरीर प्राप्त किया फिर भी इस तत्व को नहीं जान करके चला जाता है, वो कृपण कहा जाता है शास्त्र में। शास्त्र में उसको कृपण कहा जाता है। व्यवहारिक जगत में कृपण तो उसको बोलते हैं जो अपने पास धन होने पर भी उसको उपयोग नहीं करता, उसको कृपण बोलते हैं। परंतु शास्त्र में क्या बोलता है, भगवान ने सबसे अच्छा धन दिया था मनुष्य चोला, इतना अच्छा शरीर दिया था, इस शरीर को प्राप्त करने के बाद बावजूद भी यदि हम उस आत्मा तत्व को नहीं समझ पाते तो हमारी बौद्धिक कृपणा है इसको कथन करके तद्वत्ते तत्त्वज्ञानवत्ते तत्त्व ज्ञान वाला अगर हो जाएगा तो कहते फलितम क्या लाभ होगा, ब्राह्मणो भवति अभिप्राय। इस तत्व को जान करके क्या होता है कि मनुष्य जो है जो मनुष्य जिसके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था वो काम पूरा हो जाता है ना। जो होता है कृत कृत्यम, अतः कृतम कृत्य जेन जिस जो करणीय था वो कर लिया गया है जिसके द्वारा हो गया कृतकृत, इसी को ब्राह्मण बोलते हैं। जाति को ब्राह्मण शास्त्र ने नहीं कहा, शास्त्र ने जाति को ब्राह्मण नहीं कहा। ब्रह्म जाना दीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म व्यापक तत्व जो स्वरूप पुरुष होकर बताया वही ब्राह्मण है। उपनिषद में दो बार इसको प्रतिपादन किया, एक कमल ब्राह्मण है और एक आदि ब्राह्मण ब्राह्मण। यहाँ तक प्रोग्राम है 39 में प्रवेश करने के लिए। अभी तक आपने कितना योग का नाम सुना, भगवत गीता में 18 अध्याय के 18 नाम, 18 अलग अलग नाम है। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, अभ्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजग्रह योग, विभूति योग, ईश्वर दर्शन योग, भक्ति योग, उसके बाद क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, उसके बाद उन्नत विभाग योग, फिर पुरुषोत्तम योग, फिर जो है देवायु संप्रति विभाग, श्रद्धा का विभाग विभाग, मोक्ष विभाग। ये 18 अध्याय का विनाश है। सभी अध्याय में एक शब्द कॉमन है जो मतलब भगवान से युक्त होने का उपाय। एक अद्भुत नाम हमारे मानव को कार्य करके अद्भुत नाम दिया जो है इस अब जिस योग के बारे में अभी हम लोग पठन पठन कर रहे हैं इसका नाम है देखो अध्यात्म। ये कहीं नहीं मिलेगा कि उसका नाम ऐसा दिया गया वो भी अपने आप बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे टीका परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अवस्थान फलकम के अद्वैत दर्शनम किमिति कहि सर्वे एव न अत्रियते तत्र। यदि परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अवस्थान बाकी और कुछ नहीं करना पड़ता और उसी से मनुष्य जीवन की सफलता, तो सभी व्यक्ति इसको आदर क्यों नहीं करते। यदि इस आत्मस्वरूप के ज्ञान से ही अपने स्वरूप के ज्ञान से यदि मनुष्य जीवन की सफलता और इसके लिए कोई बाहरी खर्चा नहीं है तो सभी व्यक्ति इसका आदर क्यों नहीं करते, शरीर का आदर क्यों नहीं करते। देखो जो भगवान श्री कृष्ण का जब बोला ना मैं सर्वानी कर्म संस्था इतना सरल है भगवान प्राप्ति करने तो सभी व्यक्ति क्यों नहीं करते। तब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्य संतुष्ट देशा सुख प्रकृति जन्मान भी प्रकृति जानती है। जन्मांतर ये कर्म के अनुसार जो प्रकृति बना हुआ है ना, प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार ही चलना पसंद करते हैं। अनेक पुरुष का के द्वारा धीरे धीरे अपनी प्रकृति को बदलने से और जन्मांतर कोई शुभ कर्म बल देने में उद्भूत हुआ उस समय यदि आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं तब आपका जीवन बदलेगा।
इसलिए हमें पता है परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अवस्थान फल कमजे पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान करना वही फलशाली मतलब कि बंधन बंधन से छुड़ा सकते हैं। यदि ऐसे ही आपका कथन है कि अद्वैत दर्शन में ही लाभ है कि व्यतीत ही सर्वे जी को नाम क्रिया थे तो सभी व्यक्ति के द्वारा इस अद्वैत तत्व प्रति आदर क्यों नहीं दिखाई जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता कि मेरी तरी सर्वे विवेक आत्रिया थे सभी वादियों के द्वारा एक आदि अद्वैत अद्वैत बोल दो हमारा क्षय आस्तिक दर्शन क्षय ना सात नास्तिक दर्शन सभी द्वैतवाद द्वैत बड़े करते हैं एक आदि अभी बोलते इससे महान फल है आप तो उल्टा ही बोलते सभी वादी को ठीक जो हमको समझ में आता वो बोलते आप भी ऐसा बोलते जो समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है तो बोलते ना तत्र अहम इसको उल्टा में बोलते हैं ये योग थोड़ा सा कठिन योग है क्या कठिन जो है अस्पर्श योग वै नाम अस्पर्श योग वै नाम दूरदर्श सर्वयोगी भी दूरदर्श सर्वयोगी भी योगिनो विद्यति यस्मान् योगिनो विद्यति यस्मान् दभये भयदर्शिनः भयदर्शिनः अस्पर्शयोगो वै नाम दूरदर्श सर्वयोगिभिः योगिनो विद्यति यस्मान् दभये भयदर्शिनः थोड़ा सा इसका अर्थ अर्थ पता लग सकता है तो जो सच्चाई जो है उसको समझना इस योग का नाम है स्पर्श योग। हम किसी चंडाल को बोलते हैं तेरा चंडाल तो छूट जाएगा वो क्या होगा खुशी होगा कि दुखी होगा। एक चंडाल को शूद्र को बोलते तेरा सुशूद्र तो चंडाल तो छूट जाएगा वो उसको अच्छा सुनेगा कि बुरा सुनेगा। इसी में चिंता होने लग गया। अब यदि किसी ब्राह्मण को कह दिया जाए तब तेरा ब्राह्मण तो छूट जाएगा वो क्या करेगा। वो क्या करेगा सोचो किसी शूद्र को तो यदि हम कहते तेरा शूद्र छूट जाएगा वो कम से कम थोड़ा बहुत अच्छा तो मानेगा। मतलब किसी ब्राह्मण जो अपने ब्राह्मण का अभिमान रखता है मैं कर्मकांडी उसको अगर कहो नहीं तो वेदांत तो मरेगा तेरा ब्राह्मण छूट जाएगा उसको करता ही नहीं होगा चाहेगा नहीं वो घबराता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जो पुरुष बोलते अविद्या है अंतरे भट्ट माना भयम धीरा पंडित मन न माना दंतरम्य माना परिजंती मूला अंधे नहीं बनी हो माना जाता नहीं। ये स्पर्श योग के नाम नहीं है कि यहाँ पे क्या क्यों भगवान भाष्य का विवेक चूड़ामणि में क्या बोलते हैं जाति नीति कुल गोत्र विभागम नाम रूप नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयादि वर्जितम ब्रह्म दत्त मशिभा वैवाहि है ना। आप जाति नीति कुल गोत्र से सब रहित हो आप यही तो स्पर्श से इसमें कठिनाई पड़ता है। इसमें इसीलिए दूरदर्श सर्वयोगी भी इस तत्व को समझना समस्त योगियों के द्वारा कर्मयोग बोलो भक्ति योग बोलो वनद्योग बोलो क्योंकि भेद मान के बैठा हुआ है और उसको भगवान के साथ अलग करके लीला करना अच्छा लगता है तो वो उसको छोड़ना मुश्किल पड़ता है उसको छोड़ना मुश्किल पड़ता है। इसलिए इस योग का नाम है स्पर्श योग। स्पर्श योग मतलब आत्मा सर्वथा असंश्लिष्ट पदार्थ है स्वरूप तो मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है किसी के साथ कोई ना मैं कश्य की ना मान कश्य ना मेरा कोई है ना मैं दूसरे का बस आत्मा अकेले है दूसरे तो भी है नहीं पर इस भाव में बैठना कितना कठिन है इस भाव में बैठना कितना कठिन है। इसलिए बोलते हैं अस्पर्श योग वे नाम अनिश्चित ही इस योग का मानवीय को कालिका में जिस साधन को अथवा जिसके बारे में कथन कर रहे हैं इस आत्मा सर्वथा अस्पर्श वस्तु इसलिए इसका नाम है अस्पर्श योग। क्यों आत्मा के साथ युक्त होने के लिए अपने स्वरूप को जानो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ तो क्या योग मतलब युक्त होना युक्त यदि उच्चते योगी जो होगा योगी कहते हैं इसको तो योग मतलब युक्त होना यहाँ पे इसका नाम क्या अस्पर्श योग मतलब क्या है कि आप इस स्थिति में आ जाएंगे जहाँ से आपका किसी के साथ कोई स्पर्श नहीं होगा। अभी तो शरीर के साथ अभिमान का स्पर्श होंगे बैठा हो तकड़ स्पर्श बैठा हुआ इतना मतलब गहरा स्पर्श हुआ आपको कोई कहता तेरा ब्रह्म तो नष्ट हो जाएगा
बस वो बोलेगा नहीं नहीं इसको पढ़ना नहीं है बेटा, इससे हमारा जाति चला जाएगा। एक बार नहीं दो बार, दो बार विवेचित जब तक कोई नीति कोई नियम इस समय ये हो सके मेरे पति। अब जब मैं ये हूँ ये करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमने कोई बड़ी चिन्हता मान्यता देकर इसलिए स्पर्श योग कोई नाम है। इस योग का नाम है किसी भी योग में आप 18 योग में कहीं भगवान श्री कृष्ण योग का नाम नहीं बोला, परंतु छुपा हुआ है ये रहस्य छुपा है वहाँ का स्पर्श योग नाम है इसका ना, जिसका किसी के साथ कोई स्पर्श नहीं है। तो इसलिए इसीलिए अंतिम में बोलना पड़ा, क्या बोलना पड़ा, सर्वधर्मान धर्माचरण करोगे स्पर्श योग होता है, धर्म छोड़ बुद्धि जब छोड़ जाए तब स्पर्श योग कोई नाम दुर्दर्शन दुखी न दर्शन है ना। सब कुछ छोड़ना तो बहुत कठिन पड़ता है, ये बहुत कठिन पड़ता है। परिच्छिन्नता का अभिमान छोड़ना, मान लीजिए बाहरी वस्तु छोड़ना फिर भी थोड़ा आसान है, अंदर से जो अभिमान बैठा हुआ है वो अभिमान छोड़ना बहुत कठिन है। और वही जो है सबसे बड़ा प्रतिबंध है, वही सबसे बड़ा प्रतिबंध। इसीलिए ये दूरदर्शन है। सर्वयोगी भी किसी भी मार्ग के योग अभ्यास करने वाले हो, क्योंकि दैव तो भेद को बना के रख कर सकता है, जब तक ये भेद बुद्धि बना के रखेंगे तो अद्वैत दर्शन अनुभूति काम नहीं होगी। इसलिए हम बोलते हैं सर्व योगी भी, इसलिए योगी लोग ना विभ्यति अस्मा को इस मार्ग में आना नहीं चाहते। स्वयं पंडित अधीरा मन में मना अच्छा खासा हमारा व्यापार चल रहा है, सब चल रहा है, क्यों आप इसको हमारे पीछे करेंगे। फिर बाद में जब दुखी हो गया तब सोचने अरे पैसा करता तो अच्छा, फिर तब तक काफ़ी समय निकल जाता है। योगी न विभ्यति ही अस्मा, क्योंकि अन्य सभी योगी इससे डरते हैं, क्या डरते हैं, मेरा ही मैं खो जाऊंगा, मैं जरा समझता नहीं है कि मैं व्यापक सत्ता के साथ एक होकर के रह जाऊंगा। कई व्यक्ति पूछते हैं ज्ञान होने के बाद क्या करेंगे, शंका होती है मन सबके मन में, क्या करेंगे अभी, क्या करते हैं अभी, अभी जो है कर्तृत्व में अभिमान होता है मैं ये करता हूँ, तो इसीलिए हमेशा मैं आगे क्या करूँगा, ये आगे क्या को भाव मन में है ना, तो हमें कुछ करना है। आज यही भाव छोड़ना ही जो है स्पर्श हो गया, क्योंकि आत्मा में कुछ किया है ही नहीं, आत्मा ने कुछ किया है ही नहीं। इसलिए योगी न विभ्यति अस्मा है ना, प्रत्येक व्यक्ति अपने कुछ गुण अपने कुछ विशेषता दिखाना चाहते, इतने ही शास्त्र छोड़ करके नया चीज भूल करके मैं ये किया अभी किया कोई प्रसिद्ध भी हो जाता है, परंतु ये इसको पकड़ना नहीं शास्त्र में। और वो क्या, क्योंकि वो भय नहीं, इस आत्मा में भय देखता है कि मैं अब मेरा अस्तित्व ही खो जाएगा, वो नहीं सुखे कि अस्तित्व शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ अस्तित्व को मान्यता दे रखा, अब ये सब छोड़ना है, सोचते कि मेरा अस्तित्व ही खो जाएगा। आप व्यापक अस्तित्व के साथ एक होकर के पूर्ण करके आनंद में रहेंगे, ये समझ नहीं। इसलिए बोलता है भय भय दर्शिना है, अभय में भय देखना अब हो गया बंद कर, जो भय रहित आत्मा है उसमें भय देखते हैं, है ना। इसलिए ये है समस्त योगियों के द्वारा दुर्दर्श होता है, क्यों उसका नाम स्पर्श योग। अब इस तरह यानी कि देखिए एक सुंदर शब्द बोला, मन जहाँ जहाँ पर स्पर्श कर रखा विषय उस सारा स्पर्श को छोड़ा, तब क्योंकि मन ही तो आत्मा और शरीर के बीच में संबंध कौन बनाया, शुद्ध चेतन व्यापक आत्मा अंदर पूर्ण दिखना और शरीर एक पंचभौतिक शरीर है, इसलिए इस लेवल के साथ इस शरीर का संबंध कौन बनाया, मैं अपना मन तो मेरा टेबिल है, मैं रोज पढ़ा हूँ, टेबिल अलग है पंचभूत से बना हुआ, लोग मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु अवचेतन मन में कुछ भी वस्तु मिलता है तो वहाँ पे मेरा एक ठप्पा लगा है। ठीक इसी प्रकार जैसा ये टेबिल वैसे ये शरीर, जैसे ये टेबिल वैसे ये शरीर, ये यहाँ बीच में सूक्ष्म शरीर क्या करते हैं, बुद्धि क्या करते हैं, शुद्ध चेतन और स्थूल शरीर के बीच में अब जड़ चेतन के गांठ मारते हैं, जड़ चेतन गांठ वास्तविक और केवल कल्पना मात्र है गांठ, जिस प्रकार ये टेबिल मेरा है ये कल्पना है, कभी भी ना मेरा था ना होगा ना है, और अब जो कल्पना है मन अब उसे आसक्ति के हो जाता है तो दुखी हो जाता है, क्यों तो मन उसको मैं मान लिया था। अब यहाँ भी ऐसे ही है, शरीर को आत्मा मान करके मैं बुद्धिमान मैं वेदांत हूँ मैं सन्यासी हूँ मैं ये हूँ, ये जितना मैं आरोप कर रहा है ये छूट जाए, ये नहीं छोड़े बिना ज्ञान होगा, तो जब ये छूट जाए तो मैं क्या हूँ, तो मैं क्या रहूँ, मेरा अस्तित्व क्या रहेगा,
ये सब चीज जो है ज्ञान में बस लग गए। श्री अद्भुत सब श्लोक है, स्पष्ट योग हो गई नाम है ना, दूरदर्श सर्व देखिए एक नंबर टिप्पणी में निकले हैं दूरदर्श, ठीक है, दूरदर्श इति दुखेन आयास प्रयोजक श्रवणादीन दृश्यते प्राप्यते इति दूरदर्श है ना। टिप्पणी का तो बोलते हैं दुखेन मतलब आयासपूर्वक, आयासपूर्वक क्या गुरुवाक को समस्त अभिमंत्र विधि प्रणिपादेन परिकृष्णेन सेवन तद विज्ञार्थम से गुरुमेव अभिगच्छेत है। हम तो कुछ छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उसको जानने के लिए तो हम सब कुछ छोड़ करके गुरु के पास जा करके फिर उसके तद्विधि प्रणिपादे में परिपुष्ण न सेवे परिपुष्ण का मतलब से मतलब दुख के न मतलब आयास प्रयोजक, आयास के लिए प्रयोजक है श्रवणादिना है ना, श्रवण मनन निधि दर्शन के माध्यम से उसको जाना निश्चय प्राप्यति दूरदर्शन। केवल श्रवण से भी नहीं होता, जब तक पद्माचार्य तो केवल श्रवण ही मानते हैं, श्रवण का अभवति पर्यंत हो, श्रवण से आपका कई गुना लाभ है मनन, और मनन से भी कई गुना लाभ है निधि ध्यान, और फिर इसके सब छोड़ जाने छोड़ देना उससे भी कई सबसे अधिक लाभ है। मतलब कर्म का बात छोड़ना, कर्म का बात छोड़ना, साधन किए बिना साधन की आवश्यकता नहीं है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए दुखे न आयास प्रयोग श्रवणादि न दृश्यते प्राप्यति इति दूरदर्श सर्वयोगी भी कर्म योगी भी इति अर्थ। दो ही मार्ग बताए नहीं हम टिप्पणी का, ये नहीं समझना कि अन्न योग को निराकरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में तृतीय अर्थ में कितने प्रकार के योग बताया, लोके अस्मिन् द्विविधा निश्चयो पुरा प्रोक्ता मयानव ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनः, दो ही निष्ठा बताई, यानी कर्म योग के अंदर ही सारा कल्याण योग आ जाता है ना, भक्ति योग ध्यान योग अभ्यास योग है, और एक हो गया ज्ञान निष्ठा साधक एकत्व निष्ठा, कि वो सब भेद निष्ठा रखने वाले हैं और एक एकत्व निष्ठा, एक इतना ही वजन किया होता है भगवत। इसलिए यहाँ पे कर्म योग भी मतलब यहाँ पे सब कल्याण को सभी योग को अपना व्यक्ति लेकिन दूर हो जाता है। अच्छा भाई अब देखिए यहाँ पे ये तो क्या हो गया श्लोक का अर्थ, इस योग का नाम है स्पर्श योग है ना, ये सामान्य सभी व्यक्ति के भ्रम करने योग नहीं है, वर्ण के लिए और दुखे न दर्शन मतलब समस्त विवेक वैराग्य सत् संपत्ति मुमुक्षुत्व, उसमें भी वैराग्य और मुमुक्षुत्व मुख्य साधन है, क्योंकि वैराग्य तो आपका मुमुक्ष विवेक बिना होगा नहीं, और यह मुमुक्षुत्व कैसे होता है सत् संपत्ति होता हमारा मुमुक्षुत्व मतलब संतप्त आनंदित हो प्रतीक्षा हो जाए दीव्र प्रतीक्षा हो जाए और श्रुति वाक्य के समाधान मधुर से निकाले दीव्र है संसारी बंधन कहे जो शरीर बंधन इससे मुक्त होना है जो दीव्र जो इच्छा होती है तब जाकर के समझ में आता स्पर्श योग के अवसर। तो यहाँ पे बोलते हैं परमार्थ तत्व टीका में परमार्थ तत्व कर्म निष्ठान बहिर्मुखान दूरदर्शन हेतु मान, ये जो परमार्थ तत्व मतलब जो पारमार्थिक सत्य वस्तु आत्मा ये तत्व कर्म निष्ठान बहिर्मुखान कर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति बाहरी वस्तु को लेकर के चिंता करते हैं, वहाँ भी हो रहा है वहाँ भी हो रहा है ये बाहरी वस्तु को लेकर के चिंता करते हैं। कर्म निष्ठान बहिर्मुखान दूरदर्शन उन लोगों के लिए देखना कठिन होता है, क्योंकि अत्र इस विषय में हेतु ना हेतु क्या है लोग डरते हैं। यहाँ यदि आप ठीक है आप भेद व्यवहार के लिए भेद है परंतु आत्मनिष्ठा में डरना नहीं चाहिए, आप फिर जो डर जाते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते सोचते हैं कि मेरा अस्तित्व ही खो जाए मैं कैसे रहूँगा ये घबराहट हो गया। इस पर मैं कह कि पहले जागृत में बैठ करके यदि आप सुषुप्ति में जाने का प्रयास करेंगे अंतिम से ठीक पहला स्टेप डर वाला ही होगा, अंतिम से ठीक पहला स्टेप डर वाला स्टेप होगा, क्योंकि आज तक हमारा अभ्यास है मैं उपाधि के साथ अपने को देखने का अभ्यास किया और सारा उपाधि को निषेध करके अपने को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। यदि ईश्वर के पास ये संभव है तो फर्स्ट स्टेप में दूध मन डर रखने के बाद फिर भगवान अरे यही तो शास्त्र ने बोला अपने आप में तो यहाँ पे बोलते हैं कि परमार्थ दत्तम कर्म निष्ठान बहिर्मुखान दूरदर्शन अत्र हेतु इस विषय में हेतु को कहते हैं योगी न विभ्यति अस्मत अच्छे अच्छे योगी लोग हैं ना इसमें डर जाते हैं इस एक निष्ठा में आत्मा तो भेद को छोड़ने में
अपने कर्तृत्व को अथवा अपने योग्यता को छोड़ने का हमारी आत्मा में क्या विशेषता है? निर्विशेषता विशेषता। और आज तक हमारे व्यवहार क्या है? सब विशेषता के साथ अपने कभी व्यक्त करें। अब सारा विशेषता छोड़ दूंगा तो मैं कैसे हूँ, तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा सोचता है। इसीलिए मतलब लोग इन भी फेल दिया, डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। अब आए मेरे दर्शन। अच्छा, यहाँ पे टीकाकार भाष्यकार के लिए उत्खान दिया, यद उत्तम तत्व ज्ञानम स्वरूप अवस्थान फलक इति तत्पंक्ति कर दी। आपने कहे कर पाया तत्व ज्ञान मतलब क्या है? अपने स्वरूप में अवस्थान। तत्व ज्ञान मतलब क्या है? स्वरूप में अवस्था ये होते हैं। जब नबी जो कहा था तत्व ज्ञानम स्वरूप अवस्थान फल का स्वरूप अवस्था फल अभी तद अंगीकर दिया। ये बिल्कुल सही बोला आपने, तत्व ज्ञान यही है कि आपने स्वरूप में अवस्थान कर अंगीकर। यद्यपि अभाष्य में यद्यपि इदम इत्थम परमार्थ तत्व, ये परमार्थ तत्व ऐसा है, क्या है? यही एकमात्र सत्य वस्तु सर्वथा निर्विशेष है। अजातिम समता तत्व परमार्थ तत्व क्या है? अजातिम समता, जहाँ की जन्म मृत्यु नहीं है, हमेशा एक समभाव में रहते हैं, पूर्णता के भाव में रहते हैं, ये परमात्म परमार्थ। तथापि तस्मिन केचित मोहयन्ति, और ये पूर्ण आनंद रूप है, इस विषय में कुछ व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते। देखिए इस प्रकार यद्यपि इदम इत्थम के आत्मतत्व इस प्रकार है, इदम आत्मतत्व परमार्थ, इदम परमार्थ तत्व इत्थम, ये परमार्थ तत्व इस प्रकार है, क्या इस प्रकार है? अजाति समता तत्व। तथापि फिर भी मतलब वहाँ पे भय का लेश मात्र नहीं है, फिर भी तस्मिन केचित मोहयन्ति, इस आत्मतत्व में कुछ लोग मोहित हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इति आहुषि को मन में रखते कार्य कर देते हैं। स्पर्श योग और नाम अयोग है ना, इस योग का नाम जिसके बारे में हमने वर्णन किया, योग का नाम है स्पर्श योग है ना। न स्पृश्यते इति स्पर्श, किसी के साथ संबंध नहीं है। आत्मा किसके साथ संबंध करते हैं गुरु? किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है ना। इसलिए स्पर्श योग और नाम अयोग सर्व संबंध आंख स्पर्श के देखिए बहुत पहला बात बोल दिया। स्पर्श क्या है? संबंध जोड़ना ही स्पर्श है, संबंध जोड़ना ही स्पर्श है। राष्ट्रकार बोला इसका कहा हमने संबंध जोड़ा तो वर्ण आश्रम आदि टीकाकार बोले बड़ी कठिन लगता है, क्या मतलब सच्चाई है कि स्पर्श योग नाम अयम है ना, इस योग का नाम है स्पर्श योग। ये क्या बोलते हैं स्पर्श? सर्व संबंध आख स्पर्श वर्जित द्वार, संबंध नामक जो स्पर्श है, जिस मन से जो संबंध बना है यही स्पर्श है, यही जो है यहाँ पे इससे रहित है। वास्तविक आत्मा का किसी के साथ संबंध हुआ ही नहीं, पर ये नहीं समझने कारण सर्व संबंध आकर्षित सब हर प्रकार के संबंध से जो भी कहा जाता है उसको उसको स्पर्श कहा जाता है। सर्व संबंध आकर स्पर्श वर्णित अत्यार उससे रहित होने के कारण उसका नाम है स्पर्श योग। समस्त संबंध से वही वही मतलब प्रसिद्धि का लोग ऐसा स्मरण किया जाता है, कहाँ मानन किया जाता है? समस्त उपनिषद में ऐसा कहा जाता है, प्रसिद्ध उपनिषद में प्रसिद्ध है, व्यवहारिक जगत में प्रसिद्ध नहीं है। व्यवहारिक लोग किसी का बोलेंगे आप जो स्पर्श योग जानते हैं तो कहते हैं भक्ति योग जान दो, राजयोग जान दो, धर्म योग जान दो, कर्म योग जान दो, स्पर्श योग तो नहीं जाना, और उपनिषद में प्रवेश करता पता नहीं। हाँ, यहाँ पे चार नंबर टिप्पणी देखिए, अयम यथत्व तत्व अनुभव है ना, स्पर्श योग नाम अयमय मतलब यथत्व तत्व अनुभव इसको बोलते हैं। और वर्जितत्व मतलब वर्जकत्ता तो उससे रहित रहित वाला होने का, संस्पर्श रहित होने वाला होने के कारण आत्मा वर्जकत्ता, वर्जन करने वाला आत्मा की सभी प्रकार के संबंधों को वर्जन करने वाला। मन तो बार बार खींच खींच के ले जाता है, ये पिता है, ये माता है, ये दादा है, ये गुरु है, ये चेला है, और आत्मा उस संस्पर्श से अलग होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं वर्जकत्ता, वर्जन करने वाला होने के कारण कोई सुमर्यादे कहाँ स्मरण किया जाता है? उपनिषद में इसका स्मरण किया जाता है। जैसे न लिप्यते दुःखे न पाप के न है ना, न पुण्य न असंग ही अयम पुरुष, अनन्वागत पुण्य न अनन्वागत पाप है ना। तो फिर वहाँ के विदर्भ में असंग ही अयम पुरुष छः सात बार इसका अभ्यास किया हुआ ज्योतिर्ग में।
दुखी न दृश्यते इति दूरदर्श दुख एक सराय दिखा जाता है। सर्व योगी भी समस्त योगियों के द्वारा एक जगह पर छोड़ दिया थे, ये व्यतिक्रम स्थान है। वेदांत विहित विज्ञान भिजे है ना, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ इसको छोड़ करके जो भी कोई व्यक्ति अपने आप को उसको समझना चाहेंगे उसके लिए अस्पर्श योग को प्राप्त करना कठिन। वेदांत विहित विज्ञान भिजे सर्व योगी भी है ना, वेदांत विज्ञान से नहीं जो वेदांत चाहे कर्मयोग हो और चाहे आपका किसी भी योग, वेदांत को थोड़ा जानने से क्या होता है। मान लीजिए कर्मयोग में क्या बोला जाता है कि कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ करके मैं फली इच्छा नहीं करता। अब वेदांत को क्या बोलते हैं, आप देखिए हम अपने शरीर के लिए सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करते हैं कि शरीर को रक्षा करने के लिए, कभी भी मन में गलती से भी आता है कि मैंने इतना काम किया, तो किसी दूसरे व्यक्ति को एक गिलास पानी देते मन में क्या है, उनको इतना सेवा कर क्यों क्यों भेद दृष्टि है। अद्वैत ज्ञान हो जाएगा, अरे बुद्ध भिन्न संसार में कुछ भी नहीं है, जब ये निश्चय हो जाएगा तो किसी का टट्टी को साफ करोगे जैसा हम रोज अपना चूता साफ करते हैं, कभी मन में आता है ठीक ऐसे ही कभी भी नहीं होगा कि मैं किसी भी दृष्टि है। इसलिए अद्वैत ज्ञान के बिना यथार्थ कर्म योग भी होना संभव है, यथार्थ कर्म योग भी होना संभव है, मतलब उसका क्योंकि इतना आसान नहीं है करते तो हिमान को छोड़ना। इसीलिए कम से कम परोक्ष ज्ञान से भी यदि भाव मन में धीरे बैठ जाता है तब तो काम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार उपासना करते समय उपास्य देवता को अलग करके हम मन में करते हैं, अरे वो उपास्य देवता बाहर नहीं हमारे अंदर बैठ जाओ, यदि निश्चय करके करते हैं तब क्या होता है कि धीरे धीरे वो अभी प्रकृति भी होते हैं अंदर से। इसलिए अद्वैत ज्ञान ही एकमात्र अद्वैत ज्ञान, चाहे परोक्ष अपरोक्ष भी ना दो, परोक्ष अद्वैत ज्ञान भी धीरे कर दूंगे आपके लिए सारा दुख मिटाने वाला भेद मिटाने वाला। क्योंकि आज का समाज में आप खुद देखेंगे भिन्नता के कारण ही लड़ाई धर्म सब अद्वैत भावना से बैठे हुए यही एकत्व की दृष्टि से ही भगवान भाष्यकर इतना प्रयास किए थे एकत्व को दूर करने का, समझ हो गया ठीक है। ओम पहला वाला अजम अपि योनि योगम व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणा